को अपने दिमाग से निकालिए कि कोई जादू की किताब या जादू के नोट्स हैं। सफलता चमत्कार नहीं है, सफलता एक प्रोसेस है, प्रोसेस जो कि बहुत ही बोरिंग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सफलता का प्रोसेस बहुत ही बोरिंग है। एक ही काम को रोज करना, अब एक ही काम को जब आप रोज करेंगे तो बोर हो जाएंगे, सच है, एक ही काम को रोज करना बोर हो जाएंगे, लेकिन जब एक ही व्यक्ति एक ही काम को रोज करता है तो वो स्किल्ड भी हो जाता है, और इस दुनिया में उसी व्यक्ति की कीमत है जो स्किल्ड है। यानी एक डॉक्टर अगर अपने पेशेंट को एक ही तरह के पेशेंट को देखता है तो वो उस पर्टिकुलर बीमारी का मास्टर बन जाता है। कोई टीचर अगर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, रोज ही एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, एक ही तरह का पढ़ाता है, तो वो उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे मास्टर बन जाएगा। अगर कोई महिला खाना पकाती है और एक ही तरह का खाना पका रही है, मतलब फास्ट फूड हो गया, तो कुछ दिनों के बाद वो उसमें मास्टर बन जाएगी। तो आपके साथ भी यही है कि आप भी अगर एक सेट ऑफ बुक्स के साथ रोज एक पर्टिकुलर टाइम देते हुए एक सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो धीरे 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 करते करते आप भी मास्टर हो जाएंगे और एक्सपर्ट हो जाएंगे और पीसेस भी चुटकियों में निकल जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि दो चार दिन के बाद आपको बोरियत आने लगती है, आप बोर हो जाते हो। सफलता का रास्ता ना बहुत ही बोरिंग है, सच कह रहा हूँ, सफलता का रास्ता, सफलता का जो प्रोसेस है बहुत ही बोरिंग है। एक ही काम रोज करना है, सिंपल सी बात है, एक ही काम रोज करना है। सचिन तेंदुलकर साहब महान क्रिकेटर बन गए क्योंकि वो रोज सुबह अपने घर से 5 बजे उठते थे, ग्राउंड में पहुंचते थे और बॉलर्स को फेस करते थे, खेले आ रहे। अब एक दो दिन तो अच्छा लगता है, 4-5 दिन भी अच्छा लगेगा, क्या 4-5 साल अच्छा लगेगा? अब उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सचिन तेंदुलकर साहब जिन्होंने शुरू किया होगा, लेकिन शायद वो इतना धैर्य रख नहीं पाए। तेंदुलकर ने रखा और 4-5 साल की प्रैक्टिस के बाद वो दुनिया का महान खिलाड़ी बन गया। तो सफलता का जो प्रोसेस है वो बहुत बोरिंग, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना वो अल्टीमेट है। तो PCS की तैयारी भी है बहुत बोरिंग, वो प्रोसेस है बहुत बोरिंग, बट अल्टीमेट रिजल्ट बड़ा फायदेमंद, टॉप पे।